अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टोरी सीरीज में आज मैं नई कहानी पढ़ूंगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान कहानी है, लेकिन इससे आप नए नए वर्ड मीनिंग के साथ साथ नए स्ट्रक्चर भी सीखेंगे, जो इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। अ मैन एंड अ लायन। अ यानी एक, मैन यानी आदमी, एंड यानी और, लायन यानी शेर। एक आदमी और एक शेर। A man and a lion were great friends. एक आदमी और एक शेर थे बहुत अच्छे दोस्त। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे प्लूरल है क्योंकि यहाँ पे एस लगा है। अगर ये सिर्फ फ्रेंड होता तो यानी एक दोस्त, लेकिन यहाँ पे दोनों दोस्त थे यानी एक से ज्यादा का जिक्र हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे नाउन के साथ में एस लगा है। ये प्लूरल है यानी जमा है। वन डे वाइल चैटिंग दे रीच्ड अ विलेज। वन डे, एक दिन, वाइल चैटिंग बात करना ठीक है, दे रीच्ड, वो लोग पहुंचे अ विलेज, एक गांव। एक दिन वो लोग बात करते करते एक गांव पहुंचे। ये देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि यहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। बात करते करते दे रीच्ड यानी वो लोग पहुंचे गांव। इसका फर्स्ट फॉर्म होगा आर ई ए सी एच, रीच। ये सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म सेम होगा, रीच्ड रीच्ड। दे सॉ देयर अ स्टैचू। दे सॉ देयर, उन लोगों ने देखा वहां, देयर यानी वहां, अ स्टैचू, मुजस्मा या पुतला। ठीक है, ये यहां पे वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। साव सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होगा सी एस डबल ई सी, और थर्ड फॉर्म होगा सीन एस डबल ई एन, सीन सी सी साव सीन। उन लोगों ने देखा वहां अ स्टैचू, एक मुजस्मा, इन विच अ मैन वॉज सबडूइंग अ लायन, जिसमें या जहां पर, जिसमें अ मैन, एक आदमी, वॉज सबडूइंग, सबड्यू के माने दबाना या कुचलना। ठीक है, दबाकर रखना या कुचलना, दबाकर रखना, जहां एक आदमी या जिसमें एक आदमी दबाकर रखे हुए था या कुचल रहा था अ लायन, शेर को। अच्छा, ये यहां पे देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है क्योंकि वॉज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है और उसमें आईएनजी लगा है। ठीक है, वॉज सबडूइंग यानी दबाकर रखे हुए था, पास्ट में कोई काम जारी था। ठीक है, और इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा सबड्यू, एस यू बी डी यू ई। ठीक है, एस यू बी डी यू ई फर्स्ट फॉर्म होगा। अ लायन, एक शेर को, उन लोगों ने देखा एक मुजस्मा, एक स्टैचू, जहां एक आदमी शेर को कुचले हुए था या दबाकर रखा हुआ था। लुकिंग एट द स्टैचू, स्टैचू को देखकर या मुजस्मा को देखकर, दे बिगैन टू आर्ग्यू, देखकर एट द स्टैचू, मुजस्मा को, मुजस्मा को दे बिगैन, बिगैन यानी शुरू कर दिया, उन लोगों ने शुरू कर दिया। ये फर्स्ट फॉर्म होगा बिगिन, बी ई जी आई एन, बिगिन बिगिन, बिगैन बिगन। थर्ड फॉर्म होगा बिगन, थर्ड फॉर्म में क्या लगेगा, बी ई जी यू एन, बिगन। ठीक है, बिगिन बिगैन बिगन, ये तीनों फॉर्म्स है। टू आर्ग्यू, बहस करना, बहस करना शुरू कर दिया, स्टैचू को देखकर उन लोगों ने बहस करना शुरू कर दिया या बहस करने लगे। दैट, क्या बहस करने लगे, के हु वॉज मोर पावरफुल,
वॉज, कौन था ज्यादा ताकतवर, हु यानी कौन था ज्यादा पावरफुल, पावरफुल यानी ताकतवर, ताकतवर। अ लायन और अ मैन, एक शेर या एक आदमी, और यानी या, कौन था ज्यादा ताकतवर, एक शेर या एक आदमी। बोथ क्लेम्ड टू बी मोर पावरफुल देन दी अदर, बोथ दोनों ने दावा किया टू बी होने का, क्या होने का दावा किया, मोर पावरफुल ज्यादा ताकतवर, ऊपर मैंने लिख दिया ज्यादा ताकतवर, देन दी अदर एक दूसरे से। यानी देन दी, देन जब यूज होता है उस वहां पे मुकाबला होता है, एक के साथ दूसरे का मुकाबला होता है, तो यहां भी चूंकि आदमी का शेर के साथ में मुकाबला हो रहा है इसलिए यहाँ पे देन दी अदर यानी एक दूसरे के मुकाबले, ठीक है, मुकाबले। दोनों ने दावा किया, अच्छा यहाँ पे देखिए ये क्लेम इसका फर्स्ट फॉर्म होगा, सी एल ए आई एम, क्लेम फर्स्ट फॉर्म होगा, ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी सेम होगा, क्लेम क्लेम्ड क्लेम्ड, ठीक है। दोनों ने दावा किया होने का ज्यादा ताकतवर देन दी अदर यानी एक दूसरे के मुकाबले में। द मैन देन पॉइंटेड टूवर्ड्स द स्टैचू एंड सेड, द मैन आदमी ने उसके बाद, देन यानी फिर या उसके बाद, ठीक है, फिर इशारा किया, पॉइंटेड यानी इशारा किया, ठीक है। पॉइंट फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा पी ओ आई एन टी, पॉइंट ईडी नहीं लगेगा, ठीक है, वो फर्स्ट फॉर्म होगा पॉइंट, ये सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी सेम होगा, पॉइंट पॉइंटेड पॉइंटेड, ठीक है। द मैन देन पॉइंटेड टूवर्ड्स, टूवर्ड्स यानी तरफ, किसकी तरफ, आदमी ने इशारा किया तरफ, किसकी तरफ आगे पढ़ेंगे, द स्टैचू टूवर्ड्स द स्टैचू, मुजस्मे की तरफ इशारा किया, एंड सेड और कहा, ये इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा से सेड सेड, से सेड सेड, फर्स्ट फॉर्म है से एस ए वाई से, ये सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म सेम होगा, से सेड सेड। लुक, ये इन्वर्टेड कॉमा में है क्योंकि उसने ये सेंटेंस बोला था, लुक द स्टैचू ऑल्सो प्रूव्स दैट मैन इज मोर पावरफुल, लुक यानी देखो, द स्टैचू ऑल्सो प्रूव्स, मुजस्मा भी, ऑल्सो यानी भी, मुजस्मा भी साबित करता है, साबित करता है, ये प्रेजेंट में होगा क्योंकि ये सेंटेंस उसने उस वक्त कहा था, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब है और थर्ड सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है और वर्ब के साथ में एस लगा हुआ है, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। दैट मैन इज मोर पावरफुल, देखो मुजस्मा भी साबित करता है कि मैन आदमी इज मोर पावरफुल है ज्यादा ताकतवर। लिसनिंग टू द मैन, लिसनिंग टू द मैन, आदमी को सुनने के बाद या उस आदमी को सुनकर, उस आदमी की बात सुनकर, द लायन सेड, लिसनिंग यानी सुनकर, टू द मैन उस आदमी की बात सुनकर, द लायन सेड, शेर ने कहा, क्या कहा, विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ, ठीक है, उसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या कहा, उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है, उसने ये सेंटेंस कहा था, इफ लायंस न्यू कार्विंग द लायन वुड बी सबडूइंग द मैन इन द स्टैचू, उसने कहा अगर शेर जानते क्या करना, संगतराशी करना या मुजस्मा साजी करना, ठीक है, कार्विंग यानी संगतराशी, संगतराशी या मुजस्मा साजी, स्टैचू बनाना या पत्थर को काट कर
काट काट कर जो पुतला बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं, उसको कार्विंग कहते हैं। ठीक है, अगर शेर जानता, इसके माने है जानता, ठीक है, अगर शेर जानता संतराशी करना तो द लायन वुड बी सबडूइंग द मैन इन द स्टैचू। तो वो क्या करता, वो आदमी को जेर करता या आदमी को दबा कर रखता, द मैन इन द स्टैचू। तो स्टैचू में क्या होता कि उसकी जगह ये उल्टा हो जाता, अभी आदमी शेर को दबा कर रखे हुए है, उस वक्त क्या होता अगर शेर को संतराशी आती तो वो आदमी को दबा कर रखे हुए होता, वुड बी सबडूइंग यानी दबा कर रखे हुए होता, रखे हुए होता, सॉरी होता, रखे दबा कर रखे हुए होता। और यहां अगर शेर जानता, ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, एवरीवन हैज हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू टू एक्सप्लेन वंस पॉइंट। हर किसी का, एवरीवन यानी हर किसी का अपना नजरिया होता है, हैज हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू, उसका अपना नजरिया होता है, पॉइंट ऑफ व्यू यानी नजरिया, टू एक्सप्लेन बयान करने का, एक्सप्लेन यानी बयान करना, ठीक है, बयान करना, हर किसी का अपना नजरिया होता है बयान करने का, वंस उसका पॉइंट, उसका नुक्ता या उसकी बात। तो हर किसी का अपना अपना नजरिया होता है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपनी बात समझाने का या अपनी बात रखने का या अपना नुक्ता समझाने का। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी, उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपके लिए हेल्पफुल होगी जरूर, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और कहीं कुछ डाउट्स हैं कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।